राज्य सरकार का ऑक्सीजन धोखा कुआडे गला ओडिशार मेडिकल पई हेबाकु थिबा प्लांट पीएम केयर्स अर्थ केउठी हेला खर्च कोरोना मुकाबला पई सारा देश रे बढ़ी ऑक्सीजन रो चाहिदा समस्त मेडिकल रे रोगी का ट्रीटमेंट पई पहुंची जाउछ ऑक्सीजन अन्य राज्य परी ओडिशा एई ऑक्सीजन रो चाहिदा पूरा करबा पई केते प्रस्तुत काहेकि ना राज्य रे राष्ट्रायत उद्योग गुडी को छाड़ी देले ऑक्सीजन जोगाण पई मेडिकल गुडी करे निजस्व प्लांट नाही एभली परिस्थिति रे संक्रमण वृद्धि एवं रोगी संख्या बढ़िले केमिति मुकाबला करिवो ओडिशा ए तथ्य उपरे टिके नजर पकांतु देश रे 162 उत्सर्गीकृत पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापन पई प्रधानमंत्री को नागरिक सहायता एवं रिलीफ पांठिरु 201,58,00,000 टंका बंटन करा जाइछि सबु राज्य रे 154.19 एमटी थिबा मोड 162 टी प्लांट स्थापन करा जइबो एथिरु ओडिशा रा भागरे थिला 7 टी प्लांट हेले ए जाय ए सबु निर्माण होइछि कि नाही से नै कोनोसी भी तथ्य नाही जहाँ कुने राज्य सरकार को टार्गेट करिछंती बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार लेखाश्री ट्वीट करी कहिछंती पीएम केयर्स फंड रु ओडिशा को डाक्तरखाना भितरे 7टी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बसेबा पई पर्याप्त अर्थ प्रधानमंत्री देइछंती हेले एही घोर संकट समय रे जीवन रक्षाकारी अम्लजान कारखाना ओडिशा रो केउ केउ डाक्तरखाना रे बसेइछंती बोली से सीधासलख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को प्रश्न करिछंती ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।